तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे। दोस्तों आज हम जिस देश के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे उसका नाम है कतर, जो कि दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता है। अमेरिका, जापान, चाइना, ये सारी ही कंट्रीज एरिया और पॉपुलेशन के नजरिए से कतर से काफी ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन कतर फिर भी सबसे धनी है। अगर इस सुंदर से देश की आबादी की बात करी जाए तो यहाँ केवल 29 लाख लोग ही रहते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से लगभग 23% तो भारत के ही रहने वाले हैं, 15% नेपाल से गए हैं तथा 11% फिलीपींस से, और 5% में बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग कतर में कमाने रोजगार के लिए गए हुए हैं। घूमने के लिहाज से यह देश काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट नामात्र है। इसके अलावा भी कतर में देखने और घूमने योग्य बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ प्रतिवर्ष लाखों सैलानी घूमने आते हैं। दोस्तों कतर ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को और बढ़ाने के लिए 80 देशों को वीजा फ्री एंट्री करने की योजना करी है, जिसमें अपना देश भारत भी शामिल है। कतर का दोहा डेजर्ट विश्व प्रसिद्ध है, पर्यटक यहाँ स्कम्बलर बाइक का मजा उठाते हैं, डेजर्ट सफारी लोगों को रोमांचित कर जाती है, और टूरिस्ट ऊंट पर बैठकर शाही मेहमान जैसा महसूस करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, सौ वाकिफ दोहा कॉर्निक नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर भी है। दोस्तों जहाँ अपने देश में पेट्रोल आज काफी ज्यादा महंगा बिक रहा है, तो वहीं कतर में पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर पेट्रोल 30 रुपए से 35 रुपए के बीच लोगों को आसानी से मिल जाता है। सारी दुनिया जानती है दुबई के मूल निवासी शेख काफी रईस होते हैं, लेकिन यहाँ कतर में अमीरी के अलग ही जलवे हैं। अमीरी के मामले में कतर दुबई से 2 गुना आगे है, और इसका कारण है यहाँ रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय, जो कि $1.22 लाख है, जो किसी भी दूसरी कंट्री की अपेक्षा काफी ज्यादा है। दोस्तों हर देश की राजधानी वहाँ का दिल मानी जाती है, ठीक उसी तरह कतर के पूर्वी तट पर बसा दोहा शहर यहाँ की राजधानी है। साथ ही इस सिटी को यहाँ का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी हासिल है। साथ ही राजधानी दोहा में कतर की आबादी का लगभग 60% हिस्सा अपना जीवन बिताता है। दोस्तों साल 2022 में कतर फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करेगा, जो काफी ज्यादा बड़ी बात है। इतना छोटा देश होने के बावजूद कतर इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला पहला देश बनेगा। इस आयोजन में अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को शराब पीना और बेचना सख्त मना है। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो यह देश केवल 11,571 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है। यहाँ का कॉलिंग कोड +974 है। एशिया महाद्वीप में फारस की खाड़ी और सऊदी अरब की सीमा के पूर्व में कतर स्थित है। कतर के लोगों में पुरुष जुब्बा नाम के वस्त्र पहनते हैं, और यहाँ की महिलाएं काले रंग का बुरखा पहनती हैं। इसके अलावा भी कतर में कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, कुछ भी अपनी मर्जी से पहन सकता है, लेकिन अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों कतर एक धर्म निरपेक्ष देश है, और यदि यहाँ पर रहते हुए किसी ने किसी भी दूसरे धर्म की आलोचना करी तो उसके लिए 7 सालों तक कानूनी रूप से जेल की दीवारें तैयार रहती हैं। इस देश ने 55 सालों तक ब्रिटेन की गुलामी झेली, और इसके बाद साल 1971 में कतर को आजादी मिली, जिसके बाद कभी इस देश ने पीछे पलटकर नहीं देखा और विकास की ओर बढ़ता गया। तभी तो आज कतर का मुकाबला विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ देखा जाता है। इस देश के लोग पढ़े लिखे होते हैं, साथ ही अन्य मुस्लिम देशों की अपेक्षा अधिक सभ्य भी। अगर करेंसी की बात करी जाए तो यहाँ कतरी रियाल इस्तेमाल होता है, जो भारत के लगभग 20 रुपए के बराबर आता है। तो दोस्तों अगर आपको कतर का हमारा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की सारी अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।